हेलो एवरीवन, दिस इज शेख नोमान। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज एक्सप्रेस। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप सबका खैर मकदम है स्टार न्यूज एक्सप्रेस पर। शराबी गंजोती के जुल्म से टोली चौकी मिराज कॉलोनी की आवाम परेशान। ख्वातीन का कॉलोनी में घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। तफसीलात के मुताबिक टोली चौकी मिराज कॉलोनी में हर रोज़ शराबी घरों के सामने बैठ कर नशा कर रहे हैं और वहाँ से गुजरने वाले ख्वातीनों पर फिरके कसना, पानी डालना और शराब की बोतल फेंकना रोज़ाना का मामूल हो गया। जब उस कॉलोनी के बच्चे इन शराबियों को वहाँ पर से बैठने से मना करते हैं तो वो लोग उनसे लड़कर उल्टा पुलिस स्टेशन में इन पर ही कंप्लेन करने का मुकामी अवाम ने लगाया इल्ज़ाम। आए दिन इन शराबियों का जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। मिराज कॉलोनी इस फैक्ट्री के पास की अवाम बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन पहुंचकर इन शराबियों पर एक कंप्लेन भी दर्ज कराई। आगे की तफसीलात सुने मुकामी अवाम की ज़ुबानी। तेज़ ख़बरों के लिए स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। हकीमपेट टोली चौकी में एक बख्तावर घोड़ा एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे खदीम बर्फ़ फैक्ट्री थी। उसको बर्फ़ फैक्ट्री ख़त्म हो गई और वो बर्फ़ फैक्ट्री में गैर समाजी अनासिर रोज़ाना बैठ रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं और ड्रग्स के टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं। न सिर्फ पी रहे हैं बल्कि उसके साथ फरोख्त भी कर रहे हैं। कई लोगों को बिठा के पिला रहे, गांजा पिला रहे, गोलियां खिला रहे और ये खा के और पी के एक साथ गाली गलौज करते लोगों का जीना। यहाँ पे महल होगा, शुरफाओं की बस्ती है, ये बस्ती में लोगों का जीना महल होगा। औरतें और जवान लड़कियाँ और ख़वातीन यहाँ से गुजरना मुश्किल कर दे रहे, उनके ऊपर पानी फेंकते, उनके ऊपर फ़िक्रे कसते। जब यहाँ से जा रहे तो शरीफ औरतें जाने के लिए घबरा रहे हैं और ये गैर समाजी अनासिर का रोज़ का मामूल है। और हम लोग कई दफ़ा बंजारा हिल्स पीएस में भी कंप्लेंट करें, आज बख्तावर घोड़ा मिराज कॉलोनी के ये सब लोग आज एकजुट होकर पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करें और MLA साहब जनाब कौसर मोहिद्दीन साहब से भी कंप्लेंट करें, उनके पास शिकायत करें। हम सब मिलकर जनाब कौसर मोहिद्दीन साहब रुकने असम्बली कारवन का शुक्रिया अदा करते कि हमारी कंप्लेंट को एक्सेप्ट करते हुए है। DCP साहब से नुमाइंदगी करें और DCP साहब और बंजारा हिल पुलिस हमारे साथ ताउन करने के लिए तैयार है। वो लोग यहाँ पे कौसर मोहिद्दीन साहब की नुमाइंदगी से कल से यहाँ पे एक पुलिस पिकेट बिठाया जाएगा और ये गैर समाजी अनाजिर पर कड़ी नज़र रखी जाएगी और उन पर सख्त से सख्त सजाएं देने के लिए हम सब बंजारा हिल पुलिस से मुतालबा कर रहे हैं। क्या है, अब तक हम लोग खामोश बैठे हैं क्योंकि आज करेंगे पुलिस वाले कल करेंगे बोल के हम नज़रअंदाज करते गए। हमारे बच्चे जो है सो लड़ते जाना, झगड़ते जाना, पुलिस स्टेशन चढ़ते जाना, पुलिस वाले कुछ करने वाले नहीं हैं, आते देख लेते चले आते। सिर्फ पुलिस वालों को सिर्फ मार दिखना, उन लोगों की हरकता नहीं दिख रही, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे, कब तक खामोश बैठेंगे हम लोग? हैं, बच्चों से लड़ते रहेंगे क्या? रोज़ हमारा यही काम होगा, हमारा मकान यहाँ है सामने, कब तक औरतें जाना मुश्किल होगा? अगर पानियाँ फेंक रहे हैं, औरतों को ला रहे हैं, गांजे फेंक रहे हैं, लाइटा बंद कर दे रहे हैं, गैर जरूरी हरकतें हो रही हैं, तो आप लोगों को दिखना नहीं क्या? आप लोग पुलिस वालों को बोले तो पुलिस वाले अनजान हो जाते, आके देख रहे हैं चले जा रहे हैं, कब तक बर्दाश्त करेंगे भाई हम? हैं, कब तक पुलिस वाले एक्शन नहीं लेते? खाली वालों को क्या है जो दिया उन्हें उसकी जगाते पुलिस वाले यहाँ पे, आते देख लेते चले जाते पुलिस वाले यहाँ पे, पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे, कब तक जाके पुलिस में बोलेंगे? आ रहे घरों पर आके बोल रहे हैं कि इन्हों मारे उन्हों मारे, जो मारे सही बात है, कहीं को मारे उसको पूछ रहे नहीं क्या वजह से मारे, खाली ये बोल रहे हैं कि उसको मार के जख्मी करे, वो करके लाओ रिपोर्ट, ये करके लाओ, खाली यही चाहे पुलिस वालों को, दूसरा कुछ भी है नहीं। बच्चे कब तक लड़ते रहेंगे? हमारे बच्चों को क्या छोड़ देना लड़ने? रोज की लड़ाई हो गई, कब तक बोलना? शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, घर में सब छोटे बच्चे हैं, बदबू उठ रही घर में हमारे, कब तक सबर करेंगे बोलो? मकान बाजू में हरे कोई आके, कोई MLA साहब को जाके बोल रहे हैं, उनको जाके बोल रहे हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे? अब रोज की लड़ाई झगड़े हो जा रहे, पुलिस वाले आ रहे हैं, कहीं को मारे किधर मारे देख रहे हैं चले आ रहे हैं, पुलिस वालों को एक्शन लेने का ही नहीं मालूम है, PS में जा रहे हैं वहाँ पे हम, कब तक सबर करेंगे भाई? कुछ भी यहाँ पे इंतजाम करो हमारे, औरतें जाते आते रहते थूक रहे, गाली गलौज कर रहे, अम्मा बहन के गालियाँ दे रहे, गलीस गालियाँ दे रहे हैं यहाँ पे, जरा आप लोग एक्शन लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आगे तक कार्रवाई जाएंगी सर, मैं बोल दे रही हूँ आपको, अब ये लास्ट वार्निंग है, अगर नहीं करेंगे यहाँ पे कुछ, रोज यहाँ पुलिस वाले रहना, यहाँ पे एक्शन लेना हमारी गली का पूरा, अगर नहीं लेंगे तो बात आगे तक चले जाएंगी, पूरा कमिश्नर तक जाएंगी, जहाँ तक हुआ करेंगे, क्यों बोलते? औरतें रहते हैं यहाँ पे, आदमी तो सुबह चले जाते हैं यहाँ पे, शाम में आते हैं आदमी 10-11 बजे, कब तक हम सबर करेंगे? कब तक खामोश बैठेंगे? क्या हमारे बच्चों को लड़ने को भेजेंगे क्या?
आप लोगों को बोल रहे हैं, लास्ट वार्निंग है पुलिस वालों को दी, अगर यहाँ सही इंतजाम रहेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर जाएंगे वहाँ तक, आगे तक कार्रवाई करेंगे। आप ले रहे हैं मीडिया वाले रहो जो भी है यहाँ पे, आप लोग बोल रहे हैं अगर नहीं सुनेंगे तो कार्रवाई दूसरी होगी। मकान देख लो, हम लोग के मकान करीब में है, यहाँ आके बैठते हैं यहाँ पे, हम लोग बच्चा को बता रहे हैं, औरतों का तो थूक रहे हैं, ऑटो में झाँक रहे हैं, यहाँ कब तक बर्दाश्त करेंगे बोलो हम लोग। और यहाँ के गाड़ियों का गैर जरूरी काम करती हैं, सामने भी रख रहे पूरे गाड़ियाँ यहाँ से वहाँ तक, बच्चे छोटे छोटे हम लोगों के खेलते रहते हैं, हमारे शोहर सुबह गए तो शाम में आते, फिर हम लोग औरतें अकेले हैं घर में, कहीं बाहर नहीं निकल सकते हम लोग यहाँ पर, अब हमारे बच्चे है बोल के लोग फिर भी लड़ रहे झगड़ रहे, लोगों का नाम आ जा रहा, बच्चे भी कब तक लड़ेंगे, पुलिस में लेके चुप के चले जा रहे हैं लोग। अभी आज की बात ही है, हम ऑटो में आ रहे हैं तो ऊपर से नीचे तक पूरा देख रहे हैं ऑटो पास हुए तक हम लोग, तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सबसे जल्दी से एक्शन लीजिए, छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे, अब वही उसमें आके लोग आगे चले जाएंगे। नहीं नहीं करते, और तो आ रहे तो देखते हैं बुरे बुरे लंगे लंगे गालियां दे लेते, शीशे फेंकते, शीशे फेंके फेंकते, औरतें जब रात को हम लोग काम से आते रहते, हम भी काम पे जाते, 10 बजे आते, कभी 9 बजे आते, तो शीशे भिरका भिरका के मारते पीते वहाँ मंदिर के पास, एक कोई एक ऐसी माँ बहन की ऐसी बुरे बुरे गालियां दे लेते, ये तरीका है वो लोगों का बैठ के करने का। मैं अंडिकापुर में, मैं वहाँ से आ रहा हूँ, तो गंजेटियाँ मेरे 5,000 तनख्वाह की थी, मैं घर में क्या खिलाऊँ बोलो, लोगों को घर में जाके दे आके देना रहता, सामान लेकर आना रहता, कहाँ से ले आके तुम बोलो, कमेटी साहब से गुजारिश है कि गंजेटियाँ को बर्खास्त करते या कुछ एक्शन लो बोल के, मेहरबानी मारे ही मेरे को। मैं मोहम्मद खुर्शीद है, मैं ऐसा साल बख्या के बाजू में रहता हूँ, यहाँ पर जब से बर्फ़ तय की टूटी है उसके बाद से यहाँ पर गुंडा नाखिर बहुत ज़्यादा होगा है, जिसको बर्दाश्त करना मुश्किल होगा है, और इतना चाहिए गालियाँ वगैरह इतना देते हैं, अब टैक्स में आके नौजवान बच्चे जाएंगे क्या हो रहा है ये, उनको अगर समझाए तो क्या, उल्टा वो लोग आते हैं लड़ने के वास्ते और उल्टा वो लोग खुद कंप्लेंट करके बोलते साहब ये हमारे को ये किए, हमारे पास हमारे। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे।